तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, ऐसे एक स्टॉक के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो स्टॉक का दोस्तों एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करते हैं दोस्तों, सेल होने के लिए, ठीक है, सेल होने के लिए, प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों। स्टॉक में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये मतलब कि शौक बात है, क्योंकि दोस्तों बड़ा इन्वेस्टर जो करोड़ों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, वो दोस्तों इस शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब चैनल कर कर आड आड रन कर रहे हैं। आड हर कोई रिटेल इन्वेस्टर के पास ये आड जाएगा, तो वो रिटेल इन्वेस्टर देखेगा ये शेयर अभी 100 में मिल रहा है, भविष्य में बोला जा रहा है कि 1000 तक जाएगा, तो वो क्या होगा? वो डिस्ट्रैक्ट होगा और वो शेयर को देखेगा और देखेगा चार्ट पैटर्न, शेयर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, वो पैसा लगा देगा। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्कैम होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड जो होता है स्कैम होता है। तो इसी तरह का शेयर से आप दूरी बनाए रखिए। मेरे जितने व्यूअर हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस शेयर से दूरी बनाए रखिए। इस शेयर को पूरा अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, चाहो तो पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो नीचे जो नंबर शो हो रहा है। तो दोस्तों, शेयर का नाम है कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड, इसका कोड है 54023, इसका कोड है। और ये सर्किट मार्कर ही पर डे ऊपर जा रहा है, 113 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास वो आड़ जा रहा है, ठीक है, वो दिन पर दिन यहाँ पर पैसा लगाते जा रहे हैं। अगर मैं इसका 5 डे की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा दोस्तों, देखिए 21% की रिटर्न दिया है सर्किट मार्कर, 1 मंथ में 147% की रिटर्न दिया है, 6 महीने में आप देखोगे 215% की रिटर्न। अगर 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, यहाँ पर शेयर देखिए, यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर का पैसा लगा होगा, 23 रुपये में बड़ा इन्वेस्टर करोड़ों का इन्वेस्ट किए होंगे। आठ रन करने के बाद शेयर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा गिरावट हुआ था, वो कुछ सेल यहाँ पर किए होंगे, उसके बाद अभी फिर से ऊपर इसको लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ा स्कैम है ये शेयर में, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। पास्ट 5 ईयर में कंपनी 72% की गिरावट दिया है। कंपनी कोविड के टाइम में सिर्फ 9 रुपये में मिल रहा था, 9 रुपये से 113 तक आ चुका है, और उससे पहले तो कंपनी देखोगे करीबन 500 में मिल रहा था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 600 रुपये वाला शेयर अभी आपको 113 में मिल रहा है, 75 रुपये में लिस्टिंग हुआ था 2016 में। इस बीच कंपनी एक अच्छा रिटर्न दिया था, ठीक है, देखोगे तो 681% की, लेकिन अभी गिरावट में मिल रहा है, लेकिन आठ रन करने के वजह से रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, शेयर अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, वो जब सेल कर देंगे तो ये शेयर धड़ाक से सर्किट मारकर नीचे गिरेगा। तो इस शेयर से दूरी बनाए रखिए। चलिए और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा 194 करोड़ का स्मॉल मार्केट कैप रखा है। स्टॉक भी हाई है, जो कि रिस्क माना जाता है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता, फेस वैल्यू 10 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे पॉजिटिव है, 17 रुपया बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ऊपर मिल रहा है शेयर। ROC यहाँ पर नेगेटिव है, कर्जा नहीं है, लेकिन रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, प्रॉफिट में चल रहा है, फ्री कैश रखा है, वॉल्यूम अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन शेयर बहुत ही हाई हो चुका है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करता है, और दोस्तों आप देखोगे तो कंपनी 8 नंबर पर आता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस दोस्तों देखिए, कारोबार ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉफिट चेक करोगे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पैसा यहाँ पर फंसते जा रहा है। ईयर वाइज भी दोस्तों आप देखोगे कारोबार ठीक, ईयर वाइज कारोबार ठीक हुआ है, प्रॉफिट चेक करोगे प्रॉफिट में दोस्तों थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, सेल ग्रोथ माइनस है, सेल ग्रोथ माइनस है, तो यहाँ पर नेगेटिव बहुत ही ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव है। दोस्तों अगर आप लोग देखोगे कर्जा को कम किए हैं, एसेट में दोस्तों थोड़ा सा डाउन है, नेट कैश फ्लो माइनस है, होल्डिंग देखोगे प्रोमोटर पब्लिक माल रखे हैं, यहाँ पर आप देखोगे 74% प्रोमोटर रखे हैं, FIDI नहीं है, पब्लिक 25%। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद हाई रिस्क शेयर है, शेयर से दूरी बनाए रखिए। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।